खबर 7C उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की ओर। 12वीं की परीक्षा को लेकर स्थिति अस्पष्ट नहीं होने से दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिल प्रक्रिया भी अधर में है। परीक्षा को लेकर अस्पष्टता नहीं होने के कारण DU प्रशासन की दाखिल प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दे पा रहा है। इस कारण में छात्रों को भी काफी असमंजसता बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पुलिस विभाग के 55 अधिकारियों का तबादला किया है। जिन 55 अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें से 52 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, 3 अधिकारी राज्य पुलिस सर्विस के हैं। बीते साल गलवान घाटी में हुई चीन और भारत के सैनिकों की हिंसक झड़प को लेकर विंजी के खिलाफ बोलना एक 19 वर्षीय छात्र को महंगा पड़ गया। इस चीनी छात्र ने सोशल मीडिया पर सवाल किया था कि झड़प में कितने सैनिक मारे गए, ये बताने में चीन ने 6 महीने का इंतजार क्यों किया। खबर के मुताबिक इस चीनी छात्र वांग को अमेरिका जाते समय दुबई में गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे छोड़ दिया गया। अब चीन ने कहा कि वह इस मामले की जांच कर रहा है। कोरोना संकट से जूझ रहे अभिभावकों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने सत्र 2021-2022 से BEd की फीस घटा दी है। बीते सत्रों के सापेक्ष आगामी सत्र में छात्रों को 2 वर्षीय BEd में 11,250 रुपए कम फीस चुकानी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। उन्होंने COVID-19 महामारी की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ने संबंधित खबर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कोरोना संक्रमण के चलते माता पिता या किसी एक को खोने वाले बच्चों की देखभाल के लिए उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को सोमवार को कैबिनेट बाई कंसल्टेशन मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र के होने तक 4,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। बच्चियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। कक्षा 9 से ऊपर या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। निदेश महिला कल्याण मनोज राय ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इसके निराश्रित बच्चों को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुंबई में एक मॉडल ने मशहूर फोटोग्राफर कॉलस्टन जूलियन समेत 9 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। शिकायत दर्ज कराने के बाद अब मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन में मॉडल ने इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ कई राज्यों में अब तक ढील देना शुरू कर दिया है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में कोरोना के मामले में काफी तेजी से कमी आ रही है। मामले में बढ़ने के बाद विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन राज्यों में आज यानी 1 जून से पाबंदियां की ढील दी जा रही है। वहीं कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लागू है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में मंगलवार तड़के बड़ा हादसा हुआ। ललित घाट के पास जर्जर 2 मंजिल मकान गिर जाने से मलबे में दबकर बंगाल निवासी 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि हादसे से 7 मजदूर घायल हो गए। घायलों को कबीर चौरा स्थित मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया है।